फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। सो गाइस, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक औषधीय मेडिसिन हर्बल इस प्रकार का प्लांट है। इस प्लांट के कई अनगिनत फायदे हैं गाइस। इस फायदे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस प्रकार से हमें यूजफुल होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये प्लांट की किस प्रकार से केयर की जाती है और ये किस प्रकार से ग्रो किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस प्लांट का मैं नाम बता दूँ तो वैसे तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे तुकमंगला भी बोलते हैं, सब्जा भी बोलते हैं, बासिल भी बोलते हैं, बेसल भी बोलते हैं, मरवा भी बोलते हैं और फलूदा भी बोलते हैं। और हमारे प्रदेशों में गाइस इसे तकमरिया के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये प्लांट है वो गाइस मैंने कुछ भी केयर ही नहीं की है इसमें। ऐसे ही मैंने इसके सीड है वो इस गमले में थोड़ा स्पेस था तो स्प्रिंकल कर दिए थे, तो ये ग्रो होता रहा। और प्लांट के साथ मैंने थोड़ी बहुत जो केयर की जाती है और पौधों की उसके साथ हल्की सी ही केयर की है, बाकी तो बिना केयर के ही ये ग्रो हो गया है। तो उसमें गमले की बात करूँ तो गाइस, ये प्लांट को आप बड़े गमले में या तो ग्राउंड में पॉसिबल हो तो ग्राउंड में ही सर्वाइव कीजिए, क्योंकि थोड़ा फैलता ज़्यादा है तो ग्राउंड में बेटर ये रिजल्ट देगा ग्रोथ की। और इसमें मिट्टी की बात करूँ गाइस तो वैसे तो ये किसी भी मिट्टी में ग्रो होने वाला प्लांट है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 2-3 एक साथ पौधे है वो ग्रो किए थे। तो ये एलिफेंट ईयर का प्लांट था गाइस, तो उसमें अगल बगल में कुछ स्पेस थी तो उसमें ही मैंने सीड है वो स्प्रिंकल कर दिए तो ये ग्रो हो गया है। और इस गमले में भी थोड़ी जगह थी तो उस पर भी मैंने स्प्रिंकल कर दिए। वैसे इसमें भालू प्रकार की मिट्टी की व्यवस्था हो आपके पास तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छी मात्रा में ग्रोथ पर आएगा। उसके बाद गाइस, इसमें पानी की बात की जाए तो ये प्लांट को मीडियम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं और बहुत कम भी पानी नहीं। वैसे गाइस, आपने हमारी तुलसी प्लांट की वीडियो है वो शायद देखी होगी। ये प्लांट है वो भी एक तुलसी के फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो तुलसी की जिस प्रकार से हम केयर करें उस प्रकार से ही इसकी भी केयर करनी है। सेम ये दोनों एक ही बिरादरी के प्लांट है। यदि गर्मी का मौसम हो गाइस तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा दे सकते हो, वैसे सर्दियों का और बारिश के मौसम में ये थोड़े कम पानी में भी सर्वाइव हो जाएगा। उसके बाद धूप छाव की बात करूँ गाइस तो वैसे तो ये धूप बर्दाश्त करने वाला प्लांट है और बिना धूप के ये अच्छी तरह से सर्वाइव भी नहीं होगा, तो इसे थोड़ी धूप में रखे ही रखे आप। और इसमें फल फूल की बात करूँ तो गाइस, ये आप देख रहे हो इसे फूल भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, देखिए आप। और ये फूल जाने के बाद गाइस इसमें सीड है वो बनने लगते हैं और ये सूख जाए उसके बाद हम इसमें से सीड है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। और मौसम की बात की जाए गाइस तो ये प्लांट है वो एक एनुअल प्लांट है, लेकिन बारिश का और सर्दियों का मौसम है सर्वाइव करने के लिए बेस्ट है। कुछ प्रदेशों में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है तो एनुअल भी ये अच्छी तरह से सर्वाइव होता रहता है। और वैसे फर्टिलाइज़र की गाइस इसमें बात करूँ तो ये प्लांट को किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बिना फर्टिलाइज़र के भी ये प्लांट है वो सर्वाइव होता रहेगा। और गाइस इसमें फंगस की या पेस्ट की बात की जाए तो ये प्लांट में वो भी टेंशन नहीं है, इसमें पेस्ट या कोई फंगस लगती नहीं है। यदि हमारी थोड़ी गलती हो और बहुत ही ज़्यादा ओवर वाटरिंग हमने कर दिया हो तो ही कभी कभी ऐसे इसके पत्ते वगैरह है वो मुड़ने लगते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, हल्की सी फंगस या पेस्ट लग जाता है। बाकी ये खुद ही एक फंगीसाइड पौधा है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ गाइस। वैसे तो ये प्लांट है वो गाइस तुलसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसके जो सीड होते हैं यानी कि बीज वो तासीर में थोड़े ठंडे होते हैं तुलसी प्लांट के मुकाबले। वैसे मेंटेनेंस की बात की जाए गाइस तो ये एक इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसे ग्राउंड में सर्वाइव करोगे तो ये बहुत ही आसानी से फैलेगा और अच्छी मात्रा में सर्वाइव भी होगा जीरो मेंटेनेंस के साथ, कोई भी इसमें मेंटेनेंस नहीं रहेगा आपको। और गाइस, मैंने तो इस प्लांट को ऐसे ही ग्रो कर दिया था क्योंकि इस प्लांट से ग्रीनरी भी बनती रहे और इसके अगल बगल में यदि दूसरे प्लांट हो तो उसकी तासीर भी हेल्थी रहती है, क्योंकि ये खुद एक फंगीसाइड प्लांट है। ये प्लांट होगा गाइस तो अगल बगल में मच्छर कीटक वगैरह नहीं आएंगे। तो इसके पत्ते हो गाइस आप यदि इस प्रकार से तोड़े और इसे मसल ले तो भी एक ठंडक देता है, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है इसके पत्तों के रस में भी।
तो ये प्लांट पत्ते से लेकर सीड से लेकर किसी भी चीज में ये वेस्टेज प्लांट नहीं है, पूरे पूरा यूजफुल प्लांट है। और साथ ही गाइस इस एक प्लांट में से हजारों प्लांट आप तैयार कर सकते हो, इसमें से सीड बनने लगेंगे और उस सीड यदि स्प्रिंकल कर दो गाइस तो और प्लांट भी तैयार होते रहेंगे। वैसे इसके पत्तों का टेस्ट है वो थोड़ा तीखा रहता है, और यदि सीड अपने आप नीचे गिरने लगे गाइस तो और प्लांट भी है वो तैयार होते रहेंगे। अब गाइस इसके थोड़े बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये प्लांट के सीड पत्ते यानी कि पूरे पूरा प्लांट है वो मेडिसिन की लिहाज से भी काफ़ी यूजफुल प्लांट है। वैसे ये कई लोग है वो डायबिटीज़ की बीमारी में स्किन की कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें यूज़ करते हैं। वैसे इसका सीड का सेवन है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए गाइस तो इसके सीड में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, और ये एसिडिटी पेट की बीमारी इत्यादि वैसे तो कई रोगों में यूजफुल होता है, लेकिन मेरी जब तक जानकारी है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। इसके फायदे तो अनगिनत है गाइस, और खास करके गर्मियों के सीजन में कई लोग है वो हीट को लेकर परेशान होते हैं, ज़्यादा गर्मी है वो उसके लिए सूटेबल नहीं होती है गाइस, तो उस दौरान ये इसके सीड है वो आप सूख जाने के बाद कलेक्ट करके उसे पानी में भिगोकर या शिकंजी के साथ लोगे तो एक शरीर में ठंडक सा बना रहेगा, तो ये आरोग्य के लिहाज से भी बहुत ही बढ़िया प्लांट है। तो गाइस आशा रखता हूँ कि आज की ये तोकमंगला सब्जा बासिल इस प्लांट की आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल चुकी होगी। यदि गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।